हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज संडे का दिन है तो सुबह से ही यहाँ पे दूध उबाल रही थी तो यहाँ पे गिड़के पूरा जल गया और चाय भी बनाते तो जल जाता है। तो आज मैं सोची कि आज मैं इसको साफ़ा करके ही रहूँगी, तो स्टील बार से मैं साफ़ा करने लग गई हूँ। तो सोची आप लोग से शेयर कर दूँ। और दोस्तों, आज मैं ऑमलेट वाली सब्ज़ी बनाई हूँ, वो भी आप लोग से शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो फटाफट गैस को सफ़ा कर लेते हैं, देखते हैं कितना हो पाता है सफ़ा, कितना गंदा हो गया था। देखिए दोस्तों, बहुत सफ़ा कर दी और उसके बाद अब अच्छी अच्छे पानी से अच्छी तरह से धुल धुल के सफ़ा कर लूँगी। उतना तो मुझसे सफ़ा नहीं हो पाया, पर जितना कोशिश की उतना मुझसे सफ़ा हो पाया, उतना मैं सफ़ा कर दी दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो अंडे के छिलके ऑमलेट वाली सब्ज़ी में बनाने जाऊंगी, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो ऑमलेट वाली सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैं अंडे को अच्छी तरह से फोड़ ले रही हूँ। इसमें प्याज और हरी मिर्ची रख दी हूँ। अच्छी तरह से फोड़ के इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है और वहाँ पे तेल गरम करा हुआ है, ऑमलेट टाइप बना लेना है इसे, उसके बाद सब्ज़ी बनेगा। तो वीडियो में बने रहिए, तभी पता चलेगा कैसे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। ओके दोस्तों, वीडियो में बने रहिए आप लोग। अच्छी तरह से फेंट लेंगे, उसके बाद कढ़ाई में रखेंगे। यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, अब पूरा गरम हो जाना चाहिए तेल। उसके बाद इसको ऐसे कर लेंगे और इसमें रखेंगे हम अंडे का बैटर। अंडे का बैटर रखते हुए इसे धीरे धीरे आँच पे पकने देंगे और उसके बाद जब ऑमलेट बड़ा साइज में हो जाएगा तो उसको अच्छी तरह से पलट देंगे, उसको अच्छी तरह से पलट देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सब मसाले रख दिए हैं, जो चिकन में मीट में जो मसाले आप लोग रखते हैं वही मसाला इसमें रखना है, इसलिए मैं पूरा नहीं दिखाई हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे सब मसाले रख देना है, उसके बाद अब ये हमें कट करना है। तो इसे मैं जो छोलनी होता है उससे ही कट करेंगे, पीस पीस कर लेंगे। तो वीडियो में बने रहिए इन तक। दोस्तों, ये वाली अंडे की सब्जी बहुत स्वादिष्ट होता है, आप लोग एक बार बना के खा के देखिएगा, क्या पता आप लोग मुझसे अच्छे बना सकते हो, तो इसलिए आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद गैस जब ऐसे जल जाए तो स्टील बार से गैस को सफ़ा करिएगा, बहुत जल्दी सफ़ा हो जाता है दोस्तों। तो मैं सोची मैं छोटे छोटे टिप्स आप लोग से शेयर करूँ, किचन टिप्स आप लोग से शेयर करूँ और क्या क्या आइडिया है वो सब कुछ शेयर कर देती हूँ कि आप लोग का भी हेल्प हो जाए। हम बिगनर्स लोग को बस कुछ आइडिया चाहिए, बस उसी में हम लोग लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अंडा को अच्छी तरह से कट कर ली हूँ और उसके बाद अब यहाँ पे पानी रख दूँगी। हमारा मसाला भून गया, अब इसमें पानी रख देंगे और इसके बाद एक एक पीस करके उसमें हम लोग जैसे रखेंगे अंडे के पीस को, ऑमलेट के पीस को रख देंगे। और उसके बाद 5 मिनट दबक जाएगा, उसके बाद आप लोग चावल रोटी जो के साथ खाना है आप लोग आराम से खा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, रेसिपी कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा, और घर में पूरे परिवार को बच्चे बूढ़े सब बहुत पसंद से चाव से खाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों बन गया हमारा ऑमलेट की सब्ज़ी। तो कैसा लगा दोस्तों?